एक तरफ सीएम अखिलेश कार्यकर्ताओं को थाने पर राजनीति ना करने की नसीहत देकर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की साख को बट्टा लगाने में जुटे मंत्री का क्या करें। जी हां, इस बार सपा सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पारसनाथ यादव पर इस बार एक महिला से उसकी 65 बीसवा बेशकीमती जमीन हड़पने का आरोप है। पारसनाथ पर कागजात में हेरफेर कर जमीन हड़पने का आरोप है। करोड़ों की इस जमीन के लिए कैबिनेट मंत्री ने अपने कद और रसूख का जमकर इस्तेमाल किया। पीड़ित महिला उषा मौर्य की शहर के नजदीक पचहटिया के पास सड़क किनारे 65 बीसवा बेशकीमती जमीन है, जिस पर वो खेती करती है। लेकिन मंत्री पारसनाथ की नियत इस जमीन पर डोल गई। पहले तो मंत्री पारसनाथ ने जमीन को औने पौने दाम पर खरीदना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मंत्री ने साजिश रच डाली। साजिश में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका साथ दिया। राजस्व विभाग ने एक खेल खेला और कुछ ही दिन में जमीन का बैनामा मंत्री के गुर्गे दिलीप प्रजापति के नाम कर दिया। जमीन के बैनामे की खबर मिलते ही उषा मौर्य के होश उड़ गए। पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने पूरे मामले को फर्जी करार दे दिया और खतौनी में उषा मौर्य का नाम बरकरार रखा। अपनी हार होते देख कैबिनेट मंत्री ने जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहा, जिस पर पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन भी पारसनाथ यादव के रसूख के आगे खड़ा न हो सका। कभी राजधानी कभी सैफई भागती पीड़ित महिला ने रामगोपाल यादव से गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। कद्दावर मंत्री ने रातों रात पीड़ित महिला को उसके घर से उठवा लिया और उसके साथ बदसलूकी भी की। पारसनाथ के गुर्गे ने उषा की बेटी से भी दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब तक पीड़ित का इंसाफ नसीब नहीं हुआ है। के आधार पर कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव हमारी जमीन को ले लिए हैं और वो जमीन धारा 145 में कुर्क थी, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिए हैं। पारसनाथ यादव ने मेरे घर पर कुछ लोगों को भेज करके मुझे 12 बजे रात को अपने मेरे घर से उठवा ले गए और उसके बाद मेरे साथ अभद्रता एवं अश्लील व्यवहार किया गया। तो मुलायम सिंह यादव जी तक सारे उच्च अधिकारियों से लेकर के प्रशासन शासन तक गुहार लगाती रही, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं किया।